हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है डेली प्राइम का डे वन। और डे वन में जस्ट लाइक हम लोग फर्स्ट असाइनमेंट करेंगे। जहाँ तक की बात करते हैं कि टैली के थेरी की, टैली की स्टार्टिंग का, तो ऑलरेडी टैली प्राइम पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, तो उसमें स्टार्टिंग की थेरी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आज हम लोग टैली जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधे असाइनमेंट के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे असाइनमेंट में देखो दे रखा है क्या, कंपनी क्रिएशन। जैसा कि पहला असाइनमेंट टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, कंपनी क्रिएशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, क्रिएट अ कंपनी एज बिलो मेंशन डिटेल्स, ऐड योर मोबाइल नंबर आफ्टर अ कंपनी नेम एंड लाइक पीयूष कंपनी लिमिटेड एंड दिस वन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कंपनी बनानी है किसके अंदर, टैली के अंदर। सबसे पहले टैली, टैली ऑलरेडी आपने ऑन कर लिया, ठीक है ना। और टैली जैसे ही ऑन करते हो ये विंडो खुल गया। अब यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट एक कंपनी खुल रखी है, तो इस कंपनी को हमें क्या करना है, हमें क्लोज करना है और हमें अपनी कंपनी बनानी है। तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हम सीधे हम जाते हैं एल्ट के में और यहाँ पे क्रिएट अ कंपनी करते हैं। ओके, अब क्रिएट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो कंपनी क्रिएशन का बॉक्स खुल गया। बाय डिफॉल्ट कंपनी का जो डेटा पाथ होता है वो ये है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा, इसमें सारी कंपनी हमारी बनती है, ठीक है ना। ये लोकेशन है जहाँ पे हम सारे, हमारे सारा का सारा क्या होगा, जो भी हम कंपनी बनाएंगे वो यहाँ पे सेव होगी। ठीक, तो कंपनी का नाम क्या बनाना है हमें, तो कंपनी का नाम बनाना है पीयूष कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारी कंपनी बन गई। एड्रेस अब देख करके एज इट इज भर लीजिए। ज्ञानपुरम कॉलोनी नॉर्थ हुमायूंपुर, गोरखपुर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेट देखिए उत्तर प्रदेश है, देन कंट्री ठीक है, पिन कोड 273015। ओके, टेलीफोन नंबर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मोबाइल नंबर इन्होंने दे रखा है 7571033033, ये नहीं मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखते हैं यहाँ पे मेल आईडी का, तो मेल आईडी लिख देते हैं newera@gmail.com। ओके, वेबसाइट www.newera.cc.in, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यहाँ पे 2020 लिखा है, बट हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर चलेंगे, 1 अप्रैल 2022 से हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज़ है। गलती से अगर ये डिलीट हो जाए बेस करेंसी सिंबल, इसको लाने के लिए कंट्रोल के साथ ये डॉलर का साइन है, आप क्लिक कर लो, रुपीज का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा नाम क्या है, फॉर्मल नेम INR, इंडियन रुपीज, ठीक है। सफिक्स सिंबल विद अमाउंट, क्या अमाउंट और सिंबल अटैच रहेंगे हमेशा, तो हमने बोला नहीं। अब यहाँ पे स्पेस बिटवीन द अमाउंट और सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल। जब भी हम अमाउंट लिखते हैं और सिंबल लिखते हैं तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है। सो अमाउंट इन मिलियन, ये तब यस करना होता है जब हमारा बिजनेस में जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है और करोड़ों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हम अगर मिलियन को यस करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो आपको क्या होगा कि सपोज करो अगर कहीं लिखा है क्या 100, मतलब 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ की जगह पे क्या लिखा रहेगा, 10 मिलियन लिखा रहेगा। तो इससे पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा आपके लिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दशमलव, कितने स्थान तक ले, 2 स्थान तक। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के बाद को हमें क्या बोलना है, पैसे। दशमलव के बाद कितने अक्षर को प्रिंट करें वर्ड्स में, तो 2। इसको एंटर करके अब एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक ये कंपनी क्रिएशन आपको दिख रहा है। हो सकता है आप अपने जब सॉफ्टवेयर आपने अपना टैली जब इंस्टॉल किया और वहाँ पे जब यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे फीचर्स आपको कम दिखें। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे F12 दबाना है। F12 जैसे ही दबाएंगे यहाँ देखो कन्फिग्रेशन खुलेगा। अब कन्फिग्रेशन में जस्ट लाइक प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर इसको मैं नो कर दूंगा, इन सभी को ऑलरेडी यस है, अगर इनको नो कर दूंगा तो यहाँ पे फिगर्स क्या होंगे, कम दिखेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो अगर मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे नो कर दिया, ये नो नो नो, यहाँ देखो कम इन्फॉर्मेशन है। यहीं पे F12 करके अगर मैं इनको क्या कर देता हूँ, सब आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखो पहले जब बात करें, पहले के टैली में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, कंपनी क्रिएशन में टैली प्राइम से ये आ गया। सो फाइनली क्या करेंगे हम, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, अब इंटर 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 या तो करिए लास्ट तक पहुँचिए, या तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे आप लोग कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही देखो यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, आपकी कंपनी का नाम है पीयूष कंपनी लिमिटेड। ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं,
अभी सारे फीचर्स ठीक है, सब कुछ ओके रहेगा। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे जीएसटी को डिसेबल कर लीजिए, नो कर लीजिए और कंट्रोल है। बाकी ये सारे फीचर्स हमको लोग धीरे धीरे सीखेंगे, कंट्रोल है। फाइनली देखो आपकी कंपनी खुल गया। अब यहाँ पे देख रहे हो हम दो कंपनी खुली हुई है, कसक एंड पीयूष। जो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी कौन सी है, पीयूष। तो फिलहाल हमें कसक कंपनी को क्या करना है, शट करना है। हम लोग शट कर लेंगे, ठीक है ना, शट मतलब क्लोज। तो इसके लिए शॉर्टकट की दे रखा है कंट्रोल F3। तो कंट्रोल F3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जो ओपन हो रखी है उसे हम क्लोज कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। सॉरी, पीयूष को मैंने शट कर दिया। फिर से जाएंगे अल्ट के में, अपनी कंपनी वापस सेलेक्ट करेंगे, कौन सी लानी थी, पीयूष को। पीयूष को फिर से लेते आ रहे हैं। सौरभ तो सर पीयूष नाम से तो कई कंपनी दिख रही है यहाँ पे, अब दिक्कत होने लगी। एक है 16, एक 43, एक 72। अब बताओ लेटेस्ट वाला कौन सा दिख रहा है, 72 वाला। तो ये बेसिकली लेटेस्ट है जो अभी हमने बनाया, देखो 22-23 में। तो नंबर से भी तुम पहचान सकते हो, दिस इज द फोल्डर नंबर। जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो नाम तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो पाथ था, डेटा पाथ, कौन सा डेटा पाथ था, यूजर के अंदर पब्लिक टेलीप्राइम डेटा, उसमें इस नाम से फोल्डर बनता है। तो ये फोल्डर नंबर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखो शट करते हैं हम फिर से, कसर कंपनी बंद होगी। ये सब हम लोग ने कर लिया। अल्टर द ईमेल आईडी, ईमेल आईडी चेंज कर दो, पीयूष राज @gmail.com कर लो। तो इसके लिए हम लोग एल्ट के में जाएंगे कंपनी में, और यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। और यहाँ पे मेल आईडी हमें चेंज करना है, यहाँ पे मेल आईडी हम लोग कर देंगे पीयूष राज @gmail.com। और फिर एंटर 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 करके चाहे तो एक्सेप्ट करिए, चाहे तो हम कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, एक्सेप्ट फाइनली। टैली के अंदर जब भी कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो सेव हो जा रहा है। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, क्रिएट अ फोल्डर इन डी ड्राइव विद योर नेम अलॉन्ग विद योर मोबाइल नंबर, देन चेंज द डिफॉल्ट पाथ ऑफ डेटा फाइल्स दैट इज। तो डेटा पाथ आपको चेंज करने के लिए कह रहा है। डेटा पाथ होता क्या है पता है, जैसे लाइक हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग जैसे क्रिएट कंपनी करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे डेटा पाथ ये है। तो कह रहा है इसको चेंज कर दो, तुम अपने नाम से तैयार कर लो। तो देखो मैं जाता हूँ पहले डी ड्राइव में। तो अगर आप माय कंप्यूटर के अंदर जाइए और यहाँ देखिए डी ड्राइव होगा अवेलेबल, यहाँ पे डी ड्राइव में जाइए। तो डी ड्राइव में यहाँ पे देखो एक फोल्डर बना लो, कंट्रोल शिफ्ट एन से एक फोल्डर बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना लिया, इस फोल्डर का नाम रख दिया मैंने। सो अब नाम से बनाना है तो पीयूष, पीयूष के नाम से बना दिया, पीयूष मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ। तो इस नाम से मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ जब भी क्रिएट कंपनी करूँ फोल्डर एड्रेस ये होना चाहिए, इसका फोल्डर का एड्रेस। मैंने तो फोल्डर को ओपन कर लिया और इसको एड्रेस यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, कॉपी। कॉपी करने के बाद अब डेटा पाथ चेंज करना है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, हम लोग अल्ट के साथ वाई दबाएंगे। तो यहाँ देखो इसका है डेटा पाथ, डेटा पाथ पे एंटर। अब डेटा पाथ पे जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे देखो दे रखा है कंपनी डेटा पाथ, तो कंपनी का डेटा पाथ हमें चेंज करना है। एंटर करेंगे, एंटर करते ही ठीक है ना यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे उस एड्रेस को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो नया वाला एड्रेस आ गया, इंटर करिए, इंटर करिए, हो गया। अब देख रहे होंगे कंपनी का डेटा पाथ चेंज हो गया। अब अगर हम कंपनी क्रिएट करने जाएंगे अल्ट के और क्रिएट कंपनी, तो अब देखो ये जो फोल्डर है ना, अब कोई कंपनी अगर मैं बनाता हूँ, जस्ट लाइक मैं एक कंपनी बनाता हूँ तारा, मुझे और कुछ भी नहीं डालना, उत्तर प्रदेश में लिख करके मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ कंपनी। अभी जो तारा कंपनी बनी है ये कहाँ बनी है, ये कंपनी बनाई है उस नए डेटा पाथ, ठीक है ना। तो अगर हम एल्ट के करके सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कंपनी, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कंपनी दिख रही है। बिकॉज डेटा पाथ क्या है, ये नया वाला फोल्डर है, और इसका तो फोल्डर नंबर पहला जो कंपनी बन रही है वो 10,000 के नाम से। सवाल उठता है सर वापस रिस्टोर कर दीजिए, सर जो डेटा पाथ पुराना था वही कर दीजिए, तो ठीक है। अब अगर फोल्डर में आप देख रहे हो ये 10,000 नाम से फोल्डर ही बना है, हमें वापस अपना डेटा पाथ चेंज करना है, तो सी ड्राइव पे जाइएगा, कहाँ पे जाना है, या छोड़िए सी सी ड्राइव पे जाके क्या वापस वो एड्रेस आपको ले आना पड़ेगा, कैसे, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेलीप्राइम के अंदर डेटा, यही था ना सारी कंपनी बनी हुई। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करके फिर से हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी, गुड आफ्टरनून। ओके सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एड्रेस। एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम लोग वहीं पे जा करके क्या कर सकते हैं, टैली में वापस हम लोग जाके डेटा पाथ अपना पढ़ाए, तो वहीं में जाके हम लोग डेटा पाथ वापस हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करके फिर से यहाँ पे एड्रेस आप वापस डाल दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे एड्रेस वापस डाल दीजिए, आपका डेटा पाथ चेंज हो जाएगा।
लेकिन चलिए हम नहीं चेंज करते, हम यही डिफॉल्ट रखने देते हैं। अब आगे जा देखिए, आगे असाइनमेंट में देखो क्या रखा है। कई क्वेश्चन में कहा तो है नहीं रिस्टोर करने के लिए, तो ठीक है रहने देते हैं। सेट द कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे दैट व्हेन यू विल ओपन टैली योर कंपनी विल ओपन फर्स्ट, है ना। लेकिन ये तभी हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर करना है आपको तो इसके लिए मजबूरी है कि आपको अपना डेटा पाथ सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कंपनी पीयूष बनाई है वो कहाँ है, वो इस लोकेशन पे नहीं है, वो इस लोकेशन पे नहीं है, वो किस लोकेशन पे है, वो सी के अंदर है। तो आपको मजबूरी है कि आपको अपना डेटा पाथ सही करना पड़ेगा। तो एल्ट वाई जाइए, डेटा पाथ पे जाइए, इंटर करिए, और यहाँ पे कंट्रोल भी, इंटर इंटर हो गया, एक्सेप्टेड। अब आप कर सकते हैं, अब वो डिफॉल्ट कंपनी अगर आपको सेट करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, F1, फिर यहाँ पे जाना है सेटिंग के ऊपर, यहाँ पे जाना है कहाँ पे स्टार्टअप, और यहाँ पे देखिए क्या करना है, लोड ऑन स्टार्टअप पे ऑन रहेगा, कंपनी टू लोड, इंटर मारिए, और यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ ध्यान रहे चेंज करने के, इंटर करना है। अब यहाँ पे देखो कसर कंपनी लिमिटेड ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें यहाँ पे चेंज करना है पीयूष को, तो पीयूष कंपनी हम लगा देते हैं। ये कौन सा 10072 वाला फोल्डर है। अब कोई और कंपनी भी हम चाहते हैं कि हम एक चार साथ चाहे तो दो तीन कंपनी को डिफॉल्ट ओपन करा सकते हैं, बट हमें एक ही चाहिए, तो एंड ऑफ लिस्ट। अब हम बाहर आएंगे, यहाँ चाहे तो कंट्रोल ए दबाओ या ना दबाओ, कोई टेंशन नहीं है, बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, टैली को एग्जिट करेंगे, टैली से क्विट कर लिया, क्विट करने के बाद फिर से हम टैली ओपन कर रहे हैं, तो टैली ओपन, ठीक है ना। वे टैली देखो जैसे ये खुल रहा है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन मोड, टी दबाइए या इंटर दीजिए। अब देखिए पीयूष कंपनी लिमिटेड खुल गया, लेकिन अगर हमने डिफॉल्ट एड्रेस नहीं चेंज किया होता पाथ तो नहीं हो पाता, सही है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, नाउ सेट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ टैली, टैली का हमें कलर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो इसके लिए F1 में जाइए, सेटिंग में जाइए, यहाँ देखिए होता है ना डिस्प्ले होता है, इसके जस्ट नीचे डिस्प्ले में जाइए, और यहाँ पे देखिए होता है ना इनेबल कलर, अगर आप इसे इंटर करेंगे यहाँ पे तो चेंज करेंगे, वाई प्रेस या एन प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे इंटर करना है, ध्यान रहे इंटर दबाएंगे, कलर नो हो गया। वो आप देख रहे होंगे टैली आपका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अगर आपको आंखों में तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना, कलर बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए, ठीक है। और कुछ लोग अपने जीवन से उदास होते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में जाइए, अब यहाँ पे कलर है, कलर वापस यहाँ पे इंटर करके ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए ब्राइटनेस है, थोड़ा ब्राइटनेस को हाई कर सकते हैं, डल कर सकते हैं, दिख रहा होगा। इनेबल साउंड, जब भी हम लोग टैली चलाते हैं तो यहाँ पे ना बीप की आवाज़ आती रहती है, बीप की आवाज़ देखो यहाँ पे यस है, आप इसको नो कर सकते हैं, तो जो बीप की आवाज़ आ रही है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कई लोगों को वो बीप की आवाज़ से इरिटेशन होता है, तो बंद कर सकते हैं। खैर यहाँ पे चूंकि जितना कहा था हम लोग उतना कर दिया, हम लोग ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। नाउ शट योर कंपनी कह रहा है, तो ठीक है, शट कंपनी का मतलब डिलीट नहीं होता, शट कंपनी का मतलब बस क्लोज करना है, तो शट कंपनी, ये पीयूष कंपनी को हमने शट कर दिया। जैसे शट करेंगे अब यहाँ देखो तुरंत आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, क्योंकि कोई कंपनी सेलेक्ट करोगे तभी ये पूरा विंडो खुलेगा। अब कह रहा है क्या, नाउ क्रिएट बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन डेस्कटॉप इन अ फोल्डर, तो ठीक है डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाए, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन से नया फोल्डर बन जाता है, इस फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ याहू, ठीक है ना, याहू BKP मैं ऐसे लिख देता हूँ बैकअप, इस नाम से मैंने बना दिया। अब इस एड्रेस को ओपन करो, इस फोल्डर को ओपन करके, इस चूंकि इस फोल्डर के अंदर कुछ तो है नहीं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एड्रेस कॉपी कर लिया। अब इसी में हमें बैकअप रखना है, तो टैली ओपन करिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैकअप बनाना है, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे देखिए अल्ट वाई, हमें डेटा बैकअप बनाना है, इंटर। अब जैसे बैकअप बनाएंगे तो यहाँ पूछता है सर कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ किधर है, किधर बैकअप रखना है, ऊपर जाइए बैक स्पेस से, कीबोर्ड में क्या प्रेस करना है, बैक स्पेस नहीं, बैक स्पेस, दिस वन इज बैक स्पेस। अब यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करिए, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर लीजिए, एड्रेस हमने देखो पेस्ट कर दिया। अब इंटर एक बार प्रेस करिए, यहाँ से आपको गायब दिखेगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ है, एक बार और इंटर करिए, नहीं दो बार इंटर करना। अब आ गया ना आपका एड्रेस। अब यहाँ पे अपने उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप बैकअप बनाना चाहते हो, तो मैं पीयूष को बैकअप बनाना चाहता हूँ, पीयूष कौन सा, 72 वाला। और भी कोई कंपनी बैकअप बनाना चाहते हो और भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमें एक ही कंपनी बैकअप बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ, एंड ऑफ, बैकअप बन गया। अब चेक करने के लिए आते हैं, इस फोल्डर को ओपन करते हैं,
यहाँ देखिए टीबी के फाइल आ गई। दिस टीबी के फाइल, टी बी के, टी मतलब टैली, बी के मतलब बैकअप, टैली बैकअप फाइल है। और इसका देखो फोल्डर नंबर भी दिया है 10072। कितने के बी की फाइल? एक साथ कई कंपनियों का बैकअप ले सकते हैं। तो वहाँ पे कई टीबी के फाइल दिखेंगे, दो कंपनियों के तो दो टीबी के फाइल, तीन कंपनी लेंगे तो तीन टीबी के फाइल जनरेट होगी। अब ये टीबी के फाइल यहाँ नहीं खुलती है, टैली के अंदर रिस्टोर करने के बाद ही खुलेगी। क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या। क्रिएट बैकअप ऑफ योर कंपनी इन डेस्कटॉप फोल्डर, अब कह रहे हैं नाउ डिलीट योर कंपनी। अच्छा ये पहले बैकअप बना लिया ना मैंने, क्रिएट बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन डेस्कटॉप फोल्डर, मैंने बैकअप बना दिया। अब कह रहा है डिलीट कर दो अपनी कंपनी को, तो कंपनी डिलीट करना है तो पहले कंपनी को ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई भी कंपनी खोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अरे सॉरी, कंपनी कौन सा ओपन करना है? पीयूष ना, पीयूष कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब इसको डिलीट, किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए उसके अल्ट्रेशन में जाना पड़ता है, तो अल्ट के उसके देखो अल्टर में चले जाएंगे, इंटर, यही है, अल्ट्रेशन में खुल गया। अब इसको डिलीट करने के लिए देखो नीचे, ये हालांकि नीचे बटन दिया बट डिलीट का बटन नहीं दिया है, तो इसके लिए ध्यान रहे एल्ट के साथ डी होता है, एल्ट के साथ डी शॉर्टकट होता है। लेकिन किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए टैली में हमको उसे उसके अल्ट्रेशन में जाना पड़ता है, फिर एल्ट के साथ डी दबाना होता है, इंटर। जैसे इंटर करोगे अब पूछे एक और कन्फर्मेशन मांगे, आर यू श्योर? हमने बोला यस, इंटर। फाइनली आपकी कंपनी यहाँ से हट चुकी है, देखो पीयूष करके, तो 72 वाला फोल्डर नहीं है, 72 वाला गया। अब क्या कहता है आगे देखिए, नाउ डिलीट योर कंपनी हो गया आफ्टर बैकअप, नाउ मूव योर बैकअप फोल्डर इनटू डी ड्राइव। ठीक है, ये जो फोल्डर है डेस्कटॉप वाला, इसको मूव करना है। यहाँ से देखो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, मूव मतलब कट, यहाँ से हटा दो। कहाँ पे ले आना है? डी ड्राइव में। चलते हैं डी ड्राइव में, पहुँचते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। आ गया यहू बैकअप, बहुत बढ़िया, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, नाउ रिस्टोर योर कंपनी फ्रॉम बैकअप एंड चेक इट फ्रॉम द सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, अब रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका एड्रेस पहले जाके देखना है, एड्रेस कहाँ पे है याहू, हमने डी ड्राइव में भेज दिया, तो डी ड्राइव में जाइए और यहाँ पे हम लोग याहू बैकअप ओपन करेंगे और इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि एड्रेस अब चेंज हो चुका है ना। अब रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? एल्ट वाई, रिस्टोर पे जाएंगे। रिस्टोर पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पूछता है क्या, यहाँ कुछ भी डेस्टिनेशन पाथ उसमें मत कुछ चेंज करना, यहाँ आपको आना पड़ता है स्पेसिफाई पाथ के ऊपर। तो स्पेसिफाई पाथ पे आइए, एंटर मारिए, यहाँ नया एड्रेस पेस्ट करिए जहाँ पे आपका है क्या बैकअप, इंटर करिए। देखिए आगे पीयूष 7 जून को 2:43 में किए थे और 2:46 में रिस्टोर मार रहा है, इंटर मारे, और तो कोई कंपनी है नहीं, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, आ गई आपकी कंपनी। अब हमें क्या करना है? अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है यानी ओपन करना है। तो पीयूष नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, एक बार स्केप मारिए, एक बार और स्केप, फिर एक बार स्केप, आ गया। अब देखना पीयूष आ गया होगा, तो घबराना मत, समझ रहे हो, तुरंत नहीं दिखा ना, एक बार स्केप करके फिर से वापस सेलेक्ट कंपनी में आया तो आ गया, तो देखो आ गया सेलेक्ट कंपनी 72। तो बैकअप रिस्टोर मेरे ख्याल से क्लियर। तो ये था हम लोग का डे वन, जिसमें हम लोग ने असाइनमेंट वन हम लोग ने सॉल्व किया है। असाइनमेंट के हमेशा नीचे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ, दैट इज रिमेंबर पॉइंट्स, कि ये सब आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो, हु इज द चेयरपर्सन, एस एस गोयंका, ये सब चीज़ें, ये आप लोग की नॉलेज के लिए, आप जितना आप इसको पढ़ो उतना अच्छा। तो ये आज हम लोग ने डे वन प्रैक्टिस किया, अगला जाहिर सी बात डे टू में हम असाइनमेंट नंबर टू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर ये टैली का जो छोटा सा वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।